Okay, I can see 9 participants are there. सभी नौजवानों को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है. ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग. यस, कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था सोलर कलेक्टर्स पे. आप लोगों ने उसको शेयर किया, देखा उसको? सर देखे थे, नहीं देख. कौन कौन विजिबल है? मुझे दिख नहीं रहा है. आप लोग सब अपना वीडियो ऑन करो. कलन, बस राहुल और ये पवन कुमार रेडी मुझे दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा. वीडियो ऑन करो आप लोग अपना. आदित्य पारिक, वीडियो ऑफ आ रहा है आपका. वेबकैम ऑन करो आप लोग. यस, नाउ इज इट विजिबल? दिख रहा है सबको? पीडीएफ शो हो रही है सबको? हाँ सर. यस सर, करें, स्टार्ट करें. यस, ओके. सोलर कलेक्टर्स का वीडियो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, आज उसी को ही हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. सबसे पहले वाटर सोलर कलेक्टर्स. जो भी सोलर एनर्जी आती है, आप लोगों को पता है धरती पे बहुत एनर्जी आती है हमारे साथ में, लेकिन बहुत सारी एनर्जी हम लोग यूज नहीं कर पाते और वेस्ट हो जाती है. क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आज हम उसी पे ही थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे. और सोलर कलेक्टर्स के मैं पढ़ूंगा कि जो भी सोलर्स आते हैं, जो भी सोलर एनर्जी आती है, उन सबको कैसे रिसीव किया जाता है. जो भी डिवाइस उसको रिसीव करने का काम करती है, तो हम बोलते हैं कलेक्टर्स. ठीक है, सोलर कलेक्टर्स. तो यहाँ पर मैंने एक टेबल सी खोल रखी है आप लोगों के साथ में, जिसमें कि इसके डिविजन बता रखे हैं कि सोलर कलेक्टर्स आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, कंसंट्रेटिंग टाइप एंड नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप. फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर. ठीक है, कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर्स आर दोस कलेक्टर्स व्हिच हैव एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑल द एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट टू अ सिंगल स्पॉट. ठीक है, कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स वो होते हैं, उनमें जितनी भी सोलर एनर्जी इंसिडेंट होती है उन सबको एक जगह कंसंट्रेट करने की एबिलिटी होती है. ठीक है, नॉन कंसंट्रेटिंग में कंसंट्रेट करने की उनकी एबिलिटी नहीं होती, और जो भी एनर्जी उनके ऊपर गिरती है सोलर एनर्जी, दे डाइवर्ट इट नॉट इन अ सिंगल मैनर. जैसा आपको ऑप्टिक्स का एक नियम पता होगा, एक लॉ होता है ऑप्टिक्स का, कि एनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस ऑफ द लाइट. पता आप लोगों को सबको? ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग दिस थिंग? तो कंसंट्रेटिंग वाले जो सोलर कलेक्टर्स होते हैं, दे आर डूइंग इट इन द सेम वे, कि वो सब उसको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देते हैं. और जो नॉन कंसंट्रेटिंग वाले होते हैं, उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो उसको कंसंट्रेट कर सके. ठीक है, कंसंट्रेटिंग दो तरह के होते हैं फिर, इमेजिंग टाइप और नॉन इमेजिंग टाइप. विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक,
हम जो है उसकी इमेजिंग क्लियर कर सकते हैं, वो होते हैं आपके इमेजिंग टाइप सोलर कलेक्टर्स। नॉन इमेजिंग जिसमें ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसको एक जगह कंसंट्रेट करने का जरूर काम होता है, वो सब होते हैं नॉन इमेजिंग टाइप सोलर कलेक्टर्स। सिमिलरली नॉन कंसंट्रेटिंग में भी दो टाइप के होते हैं आपके, फ्लैट प्लेट कलेक्टर इंपॉर्टेंट है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, और दूसरे होते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स। ठीक है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स नाम से पता चल रहा है, बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस होती है, सोलर एनर्जी जो भी उन पे इंसिडेंट होती है वो उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, सम सिलिकॉन मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर इट। इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, जो भी उसमें एनर्जी सोलर एनर्जी इंसिडेंट होती है वो ट्यूब के थ्रू जो है आगे पास करते हैं, एक बाइंडर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट उसमें लगता है, वो पूरी एनर्जी को बाइंड करके और विद द हेल्प ऑफ सम ट्यूब्स वो उसको एनर्जी को पास करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? Is it clear? एक बार आप सबकी आवाज में सुनना चाह रहा हूँ। ओके, नाउ इमेजिंग, इमेजिंग जो होता है, कंसंट्रेटिंग में फर्स्ट होता है इमेजिंग टाइप। इमेजिंग मतलब कि जो भी एक इमेजिंग एक टेक्निक होती है जिसमें रिमोट सेंसिंग को यूज किया जाता है, जो भी एनर्जी इंसिडेंट की जाती है उसकी इमेजिंग की जाती है, एक मैपिंग की जाती है कि कहां पर कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई है और फिर उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, वो होते हैं इमेजिंग टाइप के, रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स आर यूज्ड ऑब्वियसली। नॉन इमेजिंग जिसमें ऐसा कोई फीचर नहीं होता। ठीक है, चले आगे। इमेजिंग को भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक है पॉइंट फोकसिंग, नाम से समझ में आ रहा है सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। लाइन फोकसिंग में एक पूरी लाइन के थ्रू जो है उसकी फोकसिंग की जाती है और उस लाइन को फॉलो करते हुए एनर्जी इंसिडेंट आगे पास की जाती है। दूसरी तरफ नॉन इमेजिंग में होता है कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर। मैं आपको शो करता हूं पैराबोलिक कैसा होता है। इस तरह से पैराबोलिक रिसीवर्स होते हैं, आप लोगों को दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, व्हाटएवर एनर्जी इज इंसिडेंट टू इट, इस तरह से एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट होती है। ये उस एनर्जी को जो है एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है, इस तरह से वापस ये यहाँ पर आके रिफ्लेक्ट होती है, ये आके रिफ्लेक्ट होती है और ये इस तरह से आके एक पॉइंट पे जो है ये सारी मिलती है। ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? पूरी लाइट जो है यहाँ पे इंसिडेंट होके और ये सब जो है उन सबको एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट करती है, वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर और कलेक्टर। ठीक है, खास बात इसकी ये होती है कि जो फ्लैट प्लेट होता है, जो फ्लैट प्लेट है वो अपनी जगह पर स्थिर है। ठीक है, इट इज कॉन्स्टेंट ओवर इट्स प्लेस। जो भी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है वो जहां पर भी जिस भी एंगल से इंसिडेंट होगी, सूरज की पोजीशन या सन की पोजीशन जैसी चेंज होगी, इट्स पोजीशन विल नॉट चेंज। लेकिन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में होता है कि ये सन के मोशन के साथ ही अपनी पोजीशन इस तरह से चेंज कर लेता है। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट, पॉइंट फोकसिंग में का टाइप है डिश सिस्टम विद डुअल एक्सिस ट्रैकिंग। ये डिश सिस्टम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप अपने घरों में डीटीएच लगाते हैं, लगाते हो आप लोग सब, दैट इज जस्ट लाइक टाटा स्काई और इस तरह की जो चीज है, उसी तरह से एक डिश सिस्टम होता है एंड इट इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम फिनोमेना। जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेगी ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरी लाइट इंसिडेंट करेगी ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा, जितनी भी ऐसी रेडिएशंस हैं ये सब उसको एक इस तरह से एक पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, और डुअल एक्सिस ट्रैकिंग का मतलब ये है जो कि मैं आपको बता रहा था, एज द मूवमेंट ऑफ सन गोज ऑन, जैसे सन का मूवमेंट होता है उस हिसाब से ये जो डिश है वो भी अपना मूवमेंट चेंज कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ट्रैकिंग। ओके, नेक्स्ट लाइन फोकसिंग का टाइप है पैराबोलिक ट्रफ लीनियर फ्रेसनल विद सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग।
इसमें एक एक्सिस की आप जो है ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट एक पाथ पे मूव कर सकता है। जो दूसरा है वो दो तरीके से मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है और ऐसे भी मूव कर सकता है। जो सिंगल ट्रैक एक्सिस ट्रैकिंग है वो सिर्फ एक एक्सिस पे मूव कर सकता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। हाँ सर। ओके, लेट्स मूव ऑन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस जो कलेक्टर टाइप है, जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, वो स्टेशनरी है, इट इज नॉट एबल टू मूव इट्स पोजीशन और चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। और इसका कंसंट्रेशन रेशियो 1 होता है, इसका कुछ टेम्परेचर रेंज है 30 to 80 degrees Celsius इसका होता है। इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर, दे ऑल आर स्टेशनरी टाइप, ठीक है। नीचे लीनियर फ्रेजनल रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर्स, ये सब सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग होती है। ओनली वन टाइप ऑफ ट्रैकिंग इज पॉसिबल इन दीज केसेस, ठीक है। ओनली वन मूवमेंट इज पॉसिबल लाइक दिस और लाइक दिस, जबकि उसके नीचे जो डुअल एक्सिस ट्रैकिंग है उसमें दो तरह से ट्रैकिंग हो सकती है, टू एक्सिस ट्रैकिंग, एक एक्सिस इस तरह से और एक एक्सिस इस तरह से भी मूव कर सकती है। ओके, तो इनका कंसंट्रेशन रेशियो जो है 100 to 1000 होता है पैराबोलिक डिश रिफ्लेक्टर का, इसीलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज कंसंट्रेशन रेशियो? तो हियर इट इज रिटन, इट इज द एपर्चर एरिया डिवाइडेड बाय द रिसीवर और द एब्जॉर्बर एरिया, ठीक है। एपर्चर एरिया क्या होता है? दैट एरिया, ओके, एपर्चर एरिया इज एरिया ऑफ द योर कलेक्टर, जो भी उसका एपर्चर एरिया है, जो भी उसका एंगल है, जो भी उसका एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज डिवाइडेड बाय द रिसीवर एरिया, उस पूरे पार्ट में से कितना पार्ट ऐसा है जो कि रिसीव कर सकता है, ठीक है। सपोज हमने इस तरह से अगर बनाया तो इसमें दिस मच पार्ट मे बी रिसीव द सिग्नल्स एंड रिमेनिंग वे नॉट रिसीव योर सिग्नल्स, ठीक है। सो द रेशियो बिटवीन दीज टू थिंग्स इज कॉल्ड एज योर कंसंट्रेशन रेशियो। तो एज यू कैन सी इट कि जो कंसंट्रेशन रेशियो है वो सबसे ज्यादा किस में है? योर पैराबोलिक डिश रिफ्लेक्टर में। ठीक है, दीज आर सम इमेजेस ऑफ योर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। मैं एक बार इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। These are water heaters, ठीक है, जो आपको फिगर शो किए गए हैं, ये आपके किसके हैं? फ्लैट प्लेट सोलर वाटर हीटर्स, आपने देखे भी होंगे अपने आसपास। BH1 की छत पे, exactly। ठीक है, थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। See, this is one type of your dish type. See, this is axis of rotation parallel to the earth axis. यहाँ पर अर्थ की जो एक्सिस है रोटेशन के, उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी रोटेशन डिसाइड की गई है, ठीक है। दिस इज योर डिश, दिख रहा है आप सबको? हेलो, ये जो है डिश है, दिख रही है सबको? यहां से इसकी जो एक्सिस है उसको अर्थ की एक्सिस के अकॉर्डिंग, उसके पैरेलली जो है इसको रखा जाता है, ओके। ऐसे ही सन रेज इस पे आती हैं, आप देख रहे हो ये सन रेज यहां से इस पे इंसिडेंट कर रही हैं, इंसिडेंट करके ये उसको, जैसे मैं बता रहा था, एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है। दिस इज वन पॉइंट, ठीक है, इसने इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर दिया। सिमिलरली जब ये इस पोजीशन पे था, इसने यहां पर रिफ्लेक्ट कर दिया, इसने यहां पर रिफ्लेक्ट कर दिया। तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज योर रिसीवर्स, ठीक है। यहां से इन्होंने जितनी भी एनर्जी रिसीव की, यहां से जितनी भी एनर्जी रिसीव करी उसको आगे किस पे ट्रांसमिट कर दिया? आपके वाटर या फ्लूइड या जो भी स्टोरेज टैंक है उस टैंक के ऊपर इस पे डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पर जो भी वाटर है, क्योंकि सारी एनर्जी इसके ऊपर एक साथ आ रही है, तो यहाँ से जो है ये इसका एक आउटलेट पार्ट है जहां से हमें की
हॉट वाटर या स्टीम हमें यहाँ से मिलती है. ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी. यस, फिगर समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इसी तरह का एक फ्रेसनल रिफ्लेक्टर डिश इसको बोलते हैं. यहाँ पर वही जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे आपके डाटा इसका एक होता है, इस तरह की जो डिश होता है उसी तरह से डिश है. यहाँ पर जरूर यहाँ पर सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं जो कि उसको रिसीव करने के लिए है. जैसे ही यहाँ से सन रेज यहाँ पर आती हैं, इसके ऊपर गिरती हैं, दिस इज वन रिसीवर विच यू हैव माइट सीन ऑन योर टाटा स्काई डिश एंटीना ऑल्सो. होता है, देखा आप लोगों ने, जो टाटा स्काई है उसके ऊपर भी एक इस तरह से छोटा सा रिसीवर होता है. हैव यू सीन दिस? रिसीवर यहां से रिसीवर उसको सेंड करता है. ओके, पूरी क्योंकि एनर्जी एक ही साथ इंसिडेंट हुई है तो यहाँ पर ऑब्वियसली इस पे जो टोटल इंटेंसिटी है इट इज क्वाइट हाई इनफ or that is capable to your to heat up your fluid tank. जो भी आपका पानी का टैंक है उसको हीट करने के लिए ये सफिशियंट होती है. अगेन हम यहाँ पर देखेंगे कि देर इज एन आउटलेट पाइप, ठीक है, जहाँ से कि हॉट वाटर को यूज किया जा सकता है और उसको आप घरों पे अपने जो छत की टंकियां और ये सब है, जो भी एप्लीकेशन है जहाँ पर भी आप उसको यूज करना चाहते हैं वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं फ्रॉम हेयर. ठीक है, अगेन इसमें है क्योंकि कंटिन्यूसली इसको चाहिए तो ये यहाँ से वापस एक फीडबैक पाथ यहाँ पर है, जो जैसे इसमें नीचे का पानी जो ठंडा होने लगता है ये वापस उसको कोल्ड वाटर को इसके ऊपर सेंड करता है. ठीक है, अगेन दिस इज फेड बैक टू हेयर, यहाँ से वापस उसको गर्म करके सेंड करता है एंड दिस प्रोसेस गोस ऑन. ओके, इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको इतना? ओके, एक और मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इसका पीडीएफ मिलेगा? हाँ, पीडीएफ मैं वो गूगल क्लासरूम पे आपके साथ शेयर कर लूंगा. ठीक है, वो चैट भी है मेरे पास. ओके, दिस इज अनदर पीडीएफ जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से सेम टेक्निक्स को यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट. सबसे पहले हम देखते हैं सोलर कुकर्स, आप लोग काफी फैमिलियर हो इन सब से. ठीक है, कुछ मैं एग्जांपल दिखाता हूं. वेट अ मिनट, पीडीएफ शो हो रही है आपको? जनरली हम लोग सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज करते हैं. जैसे वन ऑफ देम इज योर सोलर कुकर्स, यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस. सेकंड वन इज सोलर ड्रायर्स, जो कि कई ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल योर कार्डमम,
ठीक है, इस तरह की कुछ फार्म्स की प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उन सबको ड्राइंग के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है, फॉर वेरियस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। डिटेल अभी देखेंगे इनकी। वाटर हीटर्स हमने डिस्कस किया, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम्स आर देयर, ओके, जहां पर की फोटोवोल्टिक सेल्स लगे हुए होते हैं, जो जितनी भी रेडिएशंस उसके ऊपर इंसिडेंट करती है, दे डायरेक्टली कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कुछ करंट हम उसको फ्लो करवा सकते हैं वहां से, उससे हम मोटर रन करवा सकते हैं, ठीक है, सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर। द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम इज दैट इट डज नॉट क्रिएट एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, विच इज द मेन थ्रस्ट एरिया ऑफ दीज डेज, ओके। See, this is your box type solar cooker. Is it visible to everybody? Yes, is it visible? Is it visible to everybody? No, sir. Wait a minute. Yes, now is it visible? Now is it visible? No, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके, दिस इज योर बॉक्स टाइप सोलर कुकर, आप लोगों ने घर में देखा होगा, आसपास देखा होगा, ठीक है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मेनली जो रोल प्ले करता है दिस ग्लास स्लैब, ये रिफ्लेक्टर का काम करता है, जो भी सोलर एनर्जी इस पॉइंट पे आती है, यस, जो भी सोलर एनर्जी यहाँ पर इंसिडेंट होती है, ये उसको जो है डायरेक्ट कर देता है टूवर्ड्स दिस ग्लास लिड, ठीक है, जो भी आपको कुक करना है वो सब इसके अंदर रखा होता है इन दिस स्पेस, ठीक है, और ये यहाँ पे इस पे कवर कर लेती है, ठीक है, क्लियर। तो जितनी भी एनर्जी यहाँ पर आती है वो सारी इसके ऊपर इंसिडेंट करती है और एक ग्रीन हाउस टाइप बन जाता है यहाँ पर, और जो कुक है आपका वो जो फूड है आपका वो कुक हो जाता है, क्लियर। ये कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। सेकंड वन इज योर डबल रिफ्लेक्टर बॉक्स टाइप सोलर कुकर लाइक दिस, लेट मी रेज इट, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो डबल रिफ्लेक्टर्स आर देयर, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज योर सेकेंड वन, ठीक है। तो बेसिकली टाइम टेकन इन कुकिंग इज 2 to 2.5 hours, ठीक है, कुकिंग कैपेसिटी इज 4 to 5 hours, दीज आर सम स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोलर कुकर्स अवेलेबल, दिस वन इज कम्युनिटी टाइप सोलर कुकर, कैन यू सी दिस, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इमेज, ठीक है, एक इतनी बड़ी डिश को यूज किया गया है जहां पर रिफ्लेक्टर्स एंड मिरर्स लगाए गए हैं, जो भी सोलर एनर्जी इसके ऊपर आती है ये यहां से उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक करते हैं एंड लाइक दिस, यहां से सारी सोलर एनर्जी आ रही है, ठीक है, ये सब उसको रिफ्लेक्ट करते हैं एंड हेयर इज योर कुकिंग वेसल, ठीक है, दिस इज योर कुकिंग वेसल, जहां पर एक साथ कई लोगों के लिए खाना बन सकता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी टाइप सोलर कुकर, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन यदि हम देखें तो इट्स पावर रेटिंग इज 2.8 किलोवाट, और इसको पानी को बॉइल करने के लिए 90 मिनट्स यानी कि 1.5 hours की रिक्वायरमेंट होती है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ से ऑब्टेंड होता है दैट इज 200 to 250 degrees Celsius, ठीक है। This is another parabolic cooker. This is solar dryer, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि कई vegetables को, fruits को, condiments and spices को dry करने के लिए हम लोग इसको use कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पर इसको,
ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं कि नंबर ऑफ ग्लेजिंग जो कि जो ग्लास स्लैब है उसके ऊपर जो ग्लेजिंग की जाती है, सिंगल ग्लेजिंग है, इसका एपर्चर एरिया 0.36 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या यूज किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है। और ग्लेजिंग के लिए एक 4 mm थिक ग्लास का यूज किया जाता है, ओके, इट इज ड्राइंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस एट डोमेस्टिक लेवल सच एज वेजिटेबल्स फ्रूट्स एज आई सेड यू, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पोर्टेबल फार्म सोलर ड्रायर, ये शायद आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, तो मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर करूंगा, गो थ्रू दिस, और जो कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था आप उसको भी देखो, आप लोगों ने उसको देखा नहीं, ओके, क्लियर? यस सर। ये दो जो पीडीएफ अभी मैंने आपको दिखाई यहाँ पर, वो दोनों पीडीएफ मैं आपके साथ गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है, और कल फिर, कल मेरी क्लास है कि नहीं पता नहीं, कल आओगे आप लोग? हाँ सर। कल भी जो है हम लोग एक इसी तरह से एक क्लास कर लेंगे, ठीक है, इसके आगे की जो भी चीजें थी और गैजेट्स हैं सोलर से रिलेटेड वो सारे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, इज दैट क्लियर? सर पीडीएफ हिंदी में नहीं मिलेगी सर, पीडीएफ गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा, ओके, दोनों पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, गो थ्रू इट, और कल जो वीडियो मैंने सेंड किया था गूगल क्लासरूम पे आप उसको भी एक बार गो थ्रू हो जाना उससे भी, ठीक है, हिंदी में पीडीएफ सर, हिंदी में पीडीएफ मैं ढूंढता हूँ, आई विल ट्राई, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, ओके, आज की क्लास यहीं पर ही सर, कल कितने बजे होगी क्लास? एक मिनट वैसे मैं गूगल क्लासरूम पे आपको अपडेट कर दूंगा, कल वैसे मेरी क्लास है नहीं सर, मॉर्निंग में रखना, मॉर्निंग में, कल इसी समय क्लास रखेंगे हम लोग, ओके सर, ठीक है, 2 बजे, ओके सर, ठीक है, ओके, बाय, ओके सर, थैंक यू।